टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा गैस लॉज का, और वहां हमने दो गैस लॉ पहले कर लिए थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे थर्ड लॉ, दैट इज द, बेटा दो क्लासेस लेती हूँ, दोनों में आया करो, ठीक है, दोनों में मैं कंटिन्यू पढ़ाती हूँ। थर्ड है गे लुकाज लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ इज गे लुकाज लॉ, इसी को हम बोलते हैं अमाउंटेंस ला, गे लुकास ला ही आपका होता है अमाउंटेंस ला। इससे पहले दो हम कर चुके हैं, बॉयल्स ला और चार्ल्स ला, अब थर्ड ला आज हम यहाँ पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू गे लुकास ला या अमाउंटेंस ला, यहाँ पे वॉल्यूम रहती है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बेटा मैंने चैप्टर 1-4 बड़ा स्लो स्लो करवाया, लेकिन मेरा सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, पेपर में चैप्टर 6 तक आएगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगी। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, द टेम्परेचर या द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साथ साथ लिख लें सभी बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो भी नए बच्चे आए हैं मेरे पास कॉल कर लेना, आपको बता दूंगी काम कैसे करना है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी तो जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब ये बन जाएगा बेटा, हम कह सकते हैं कि जो P है हमारा प्रेशर, P इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू टी, K क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। इसके बाद देखिए, अब बेटा मैं यहां से ये लिख सकती हूँ P by T इक्वल टू K, P by T इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट हो गया। तो अब इससे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने आपको पहले तो ऊपर डिटेल समझा दिया था, अब मैं शॉर्टकट यहां से फॉर्मूला लिखूंगी। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर था P1, उसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, तो हमने उसका प्रेशर चेंज किया तो साथ में उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2, ठीक है। P1 आपका इनिशियल प्रेशर हुआ, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, P2 फाइनल प्रेशर हुआ, और T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है। तो ये चार वेरिएबल है, इसमें से तीन आपके नोन होंगे, एक अननोन होगा, वो अननोन आपको निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ओके। तो ये आपका बेटा ला है, थर्ड ला, दैट इज द गे लुकास ला और अमाउंटेंस ला, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ग्राफ कर लेते हैं। हाँ भाई, यहां तक का हो गया बेटा, रब कर दूं या अभी टाइम लगेगा लिखने में? हो गया मैम। तो मैम ओके बेटा, मैं रब कर देती हूँ। अब इसके ग्राफ, ग्राफ मैंने आपको बड़े ढंग से समझा रखे हैं, आप बताएंगे इस वाले ग्राफ में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। तो पहला ग्राफ हमारा है P versus T, सेकेंड ग्राफ है P versus 1 by T, थर्ड ग्राफ है P by T versus P, फोर्थ इज P by T versus T। तो ये हमारे कुछ अलग अलग ग्राफ हैं। इन सभी में क्या कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम। इन सभी में क्या कॉन्स्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बताएं पहला ग्राफ कैसा आएगा, आप लोगों को बड़े ढंग से समझा रखा है टॉपिक, आप थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर में कैसी रिलेशन, स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे V आपका क्या है,
कॉन्स्टेंट है, मतलब इसको आप बोलेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो सभी बच्चे डेली क्लासेस में आया करो, आपको समझ में आएगा बड़े अच्छे से, डेली क्लास लोगे तो ये आइसोकोरिक हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे होगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट की रिलेशनशिप है, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा वर्सेस थ्रू द ओरिजिन। अब सेकंड ग्राफ आप बताओ, सेकंड ग्राफ है प्रेशर वर्सेस 1/T, तो इस बार का रिलेशनशिप कैसी बनी? इस बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोल आएगा, बताओ हाइपरबोल जी। इस बार ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोल होगा, इनवर्स की रिलेशनशिप आपकी होगी है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आएगा। बेटा कुछ बच्चे नए आए हैं, उनको शायद ये लग रहा पता नहीं मैम क्या करवा रही है, तो मैं ये सब कुछ ना पहले समझा चुकी हूँ। तो ये भी आइसोकोरिक ग्राफ है, यहाँ भी वॉल्यूम आपकी कॉन्स्टेंट है। अब थर्ड ग्राफ आप बताओ, थर्ड ग्राफ आपका है P/T वर्सेस P। तो अभी मैंने पढ़ाया था जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है पैरेलल लाइन, हाँ जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि P/T तो आपका क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो बेशक हम टेम्परेचर बढ़ा ले, प्रेशर बढ़ा ले, P/T तो कॉन्स्टेंट ही चलेगा। सेम ऐसे यहाँ रहेगा, यहाँ भी P/T क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बेशक हम क्या बढ़ा ले? टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके चार तरह के ग्राफ आए। और अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप वाले ग्राफ कर लेंगे। पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे, मुझे बता देना होते ही, ताकि मैं आगे करवाऊं। मैम बुक कौन सी लगी हुई है? बुक बेटा, बुक प्रदीप की लगी हुई है। ओके, आपके पास कौन सी बुक है? चलो ये बताओ मुझे। मॉडर्न की है मैम। कोई बात नहीं बेटा, जो भी है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेफरेंस बुक है, किसी से पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए करें, हो गया भी ग्राफ डन। बताओ कर लो, कर लो। इन सभी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है बेटा? अब तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। यस मैम। रब कर दो। यस मैम। बेटा डन। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब इसके आगे ये ग्राफ आप लोगों के लिए, आपने जिसने कल का लेक्चर देखा था, पढ़ा था, क्लास में थे, वो बता देगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। पी वर्सेस टी, ठीक है, ये V1 वॉल्यूम पे है, ये V2 पे है, ये V3 पे है। क्या बताना है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2 एंड V3। अब जिन बच्चों ने कल की दोनों क्लासेस ली थी, उनको ये टॉपिक बड़े अच्छे से आता होगा, वो कर देंगे। मैम V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ओके, आशु बता रहे हैं ना। चलिए अब देखिए भाई, आशु ने बताया V1 सबसे ज्यादा है, यही बता रहे हो ना बेटा? यस मैम। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे, V1 ज्यादा है या V3? मैम कहा बताओ आपको? V3 ज्यादा है। V3 ज्यादा है, चलो अब करवा के मैं करवा देती हूँ, फिर पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने कल आपको बताया था इन क्वेश्चन को करने की सिंपल सी ट्रिक है, आप एक इक्वेशन याद रखो, PV=nRT। ये आगे बहुत जल्दी आ भी जाएगी। P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, N से नंबर ऑफ मोल, R कॉन्स्टेंट है गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर। तो N और R तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, नंबर ऑफ मोल भी और गैस कॉन्स्टेंट भी। तो PV=T है, सीधी सी मतलब ये है। तो मैं ये कह सकती हूँ P=T है और V=T है। हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी डायरेक्ट की रिलेशनशिप है। अब इन क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप कोई भी एक लाइन यहाँ पे डाल लो, x एक्सिस के वर्सेस या y एक्सिस,
मान लीजिए मैंने यहाँ एक लाइन डाल दी ऐसी, ठीक है, तो देखिए आपके तीन पॉइंट आए, ओके, तीन पॉइंट आपके आए, इस पॉइंट पे ये प्रेशर है, इस पॉइंट पे ये प्रेशर है, इस पॉइंट पे ये प्रेशर है, तो अब आप मुझे ये बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, सब बताइए, V1 वाले पॉइंट पे ज्यादा है, सबको पता इस बात का, V1 वाले पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। अब तुम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप रिलेट करो, तो आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, है ना भाई, P इंटू V, तो ये P इनवर्स में है V के, तभी तो K भी बढ़ेगा ये, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। अब जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा उसकी वॉल्यूम सबसे कम, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस पॉइंट पे था तो ये वॉल्यूम सबसे कम होगी, और जिसका प्रेशर सबसे कम है उसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, V3 की है, V3 से कम है V2, V3 से कम है V1। अभी कितने बच्चों को ये समझ में आया, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन, जिनको डाउट है मुझसे पूछे बेटा, ओके, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी बेटा यशवंत आपको समझ में नहीं आया, हरिओम यशवंत, सोनाक्षी, नवीन, बेटा नवीन कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बोलो, दीपक, उज्जवल, तो बड़ा आसान टॉपिक है ये तो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज मैं एक ग्राफ और दे रही हूं वो आप लोग मुझे बताएंगे, फिर ये सब कर दूं, बोलो बेटा हो गया ये, ठीक है, ओके, अब तुम्हारी मैंने बेटा आसान कर दिया काम, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा ही रहेगा, इनको मैं रब नहीं कर रही, और सेकंड ग्राफ ये है आपका, कुछ बच्चे समझ भी गए मैम क्या ग्राफ बनाएगी इस बार, ठीक है, हाइपरबोला ग्राफ आएगा, रिलेशनशिप इनवर्स की है, यहाँ वॉल्यूम है वी वन, यहाँ है वी टू, यहाँ है वी थ्री, फिर से आपका सेम क्वेश्चन है, वी वन वी टू वी थ्री में क्या रिलेशनशिप है बताओ बेटा, करो, वेरी गुड बेटा करिए, बताओ क्या आएगा, हो गया V1 then V2 then V3, प्रिया ने बताया ये, बाकी कोई बताना चाहेगा बेटा, बाकी कोई बताना चाह रहा है बोलो बेटा, शाबाश, यही आएगा मैम, यही आएगा, यही है मैम, कंफर्म यही आएगा, यस मैम, इससे सेम ट्रिक अप्लाई कर ली हमने, यहाँ पे कैसी लाइन ड्रॉ कर ली, ये तीन पॉइंट हमारे आगे, वन टू थ्री, वी वन पॉइंट पे ये प्रेशर है, वी टू पे ये प्रेशर है, वी थ्री पे ये प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है इनवर्स की, जिसका प्रेशर ज्यादा है उसकी वॉल्यूम कम है, तो मैक्सिमम प्रेशर किसका है, वी थ्री वाले पॉइंट का, जिसका प्रेशर ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम, तो वी थ्री सबसे कम है और वी वन सबसे ज्यादा है, तो आप सब बिल्कुल ठीक बता रहे हो, V1 greater than V2 greater than V3, ठीक है, और ये मैंने बता दिया, ये सारे ग्राफ आपके आइसोकोरिक है, मतलब इन सभी में क्या कॉन्स्टेंट रहती है बेटा, वॉल्यूम, ओके, चलिए ये हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड लॉ हुआ, गे लुकास लॉ, रब कर दू ना, यस मैम, किसी का नहीं होता तो मुझे बता दिया करो, जहां भी डाउट है बोला करो, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं लाइन पढ़ने का। अब इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस क्या है, गे लुकास ला का, हर एक ला का हम सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, पहला ला था बॉयज ला, उसका सिग्निफिकेंस क्या था कि जितना एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है, ठीक है, उतना ही क्या होता है बेटा, जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर चार्ल्स लॉ का मैंने आपको करवाया था सिग्निफिकेंस कि जितनी हवा गर्म होती है उतनी ही हल्की हो जाती है, उतनी वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसीलिए गर्म हवा ही हम बैलून्स के अंदर भरते हैं। और थर्ड आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, थर्ड इज द गे लुकास लॉ, इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, एज द
a gas decreases as the pressure of a gas decreases, तो वॉल्यूम भी क्या होगी बेटा? प्रेशर ऑफ गैस आप डिक्रीज कर रहे हो तो वहां पे कूलिंग ऑब्जर्व होगी, या कूलिंग से समझना है, कूलिंग इज ऑब्जर्व बेटा। इस पॉइंट को आप समझेंगे क्या कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बैलून है, ठीक है, आपने बैलून में हवा भर ली, ओके, और बैलून को आपने टाइट किसी चीज से बांध दिया। अब आप एक नीडल लेना, एक सुई लेके उस बैलून में छेद कर देना और उस बैलून को अपने कान के पास लेके आना, आपको आवाज सुनेगी, हाँ भाई गैस निकल रही है, और प्लस में आपको कान के पास है ना, कूलिंग ऑब्जर्व होगी। जब वो गैस निकल रही है ना तो उसमें प्रेशर बैलून के अंदर कम हो रहा है, गैस बाहर आ रही है निकल के, तो आपको कूलिंग ऑब्जर्व होगी। ये सिग्निफिकेंस होता है गे लुकाज ला का, ठीक है, कि जब भी किसी गैस का प्रेशर कम होता है तो हमेशा वहां पे कूलिंग होती है। ओके, तो इसी के साथ हमारे तीन गैस लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। एक बार फटाफट से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहला लॉ आपका था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट थी वॉल्यूम इनवर्स में होती है प्रेशर की, और बॉयल्स लॉ में क्या कॉन्स्टेंट था? टेम्परेचर। फिर सेकेंड हमने किया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा? जो आपका चार्ल्स लॉ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सॉरी बेटा प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्ट में है किसके? टेम्परेचर के। यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट था। और थर्ड लॉ आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज द गे लुकाज लॉ। गे लुकाज लॉ में क्या है? गे लुकाज लॉ में बेटा आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन हमारे अलग अलग लॉ है यहाँ पे। तो पहले में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था तो ये आइसोथर्म हो गया, दूसरे में प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आइसोबैरिक हो गया, थर्ड में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो आइसोकोरिक हो गया। ओके, ये तीन लॉ हमारे हो चुके हैं, और अब इनके न्यूमेरिकल का फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या फॉर्मूला आया? पहले का ये था पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। फर्स्ट का ये फॉर्मूला है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू। और थर्ड का फॉर्मूला क्या है? पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। तो ये आपके तीन अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूला हो गए। अब ये आपको देखना है जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या कॉन्स्टेंट होगा। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो ये, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला। न्यूमेरिकल इनका बड़ा ही आसान है, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल बोल दूं, यहाँ पे बताओ बेटा न्यूमेरिकल करके दिखाओगे? यस मैम। ठीक है, लिखिए न्यूमेरिकल। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, सब साथ साथ लिख लें, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स डबल, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स डबल, वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स डबल इफ द इनिशियल टेम्परेचर, इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 0 degree Celsius व्हेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये न्यूमेरिकल है बेटा, करो। शाबाश, आप सभी करो इस न्यूमेरिकल को। कर रहे हैं मैम। यस मैम। ठीक है, देखिए बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था।
एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स डबल. तो भाई यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है मान लो VML. तो ये कह रहा है जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डबल हो जाए तो आपकी फाइनल वॉल्यूम V2 कितनी हो जाएगी. डबल कर दो इनिशियल की 2V. हाँ बेटी, इनिशियल वॉल्यूम आपकी VML थी तो फाइनल उसकी डबल कर दी, 2VML हो गया. अब आगे ये कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस. इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हमेशा, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 273 केल्विन. ठीक है, अब एट व्हाट टेम्परेचर T2 आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा है और इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये चार्ल्स लॉ से होगा. तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V1 by T1 equal to V2 by T2. ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, T2 निकालना है. तो आप बताओ T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा V2 546 केल्विन by V1. यही आएगा बेटा देखो सभी. ठीक है, तो T2 इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी थी 2V, T1 कितना है 273 और V1 कितना है V, V से V कैंसिल, 273 टू जा 546 केल्विन. ये केल्विन में आ कि भाई इस टेम्परेचर पे जो गैस की वॉल्यूम है वो पहले से डबल हो जाएगी. ठीक है, ओके, तो कर लोगे ये आप मैम, सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा. अब ये केल्विन में आई है तो आप इसे सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दो तो 546 में से क्या माइनस कर देना 273, तो ये केल्विन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में. कर लो बेटा. ठीक है, तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सीधा, ये तो है ना 273 डिग्री सेल्सियस. बेटा मैं एक क्वेश्चन और बोल देती हूँ फिर इसके बाद मैं फोर्थ लॉ का शुरू करूंगी. हाँ भाई ये रब कर दूं, बोलो. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. तो अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस क्लास में, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका. हम नेक्स्ट क्लास कब है बेटा, अभी है, बस जैसे ही क्लास खत्म होती है ना मैं एक लिंक और भेजती हूँ 2 मिनट के बाद ही. ठीक है, लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड from a vessel containing 400 cm³. आपको बता रखा है सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर को बोलते हैं, 400 cm³ at 7 degree Celsius. When it is heated to 27 degree Celsius. When it is heated to 27 degree Celsius, ma'am. The same pressure. हाँ बेटा. ma'am, ये first line में will be के बाद क्या है, दिख नहीं रहा. बेटा फर्स्ट लाइन में किसके बाद है, विल बी के बाद. विल बी एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकलना, कितना बाहर आएगा, एक्सपेल्ड होना. ठीक है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ, किसी का कोई वर्ड दिख लिख लेना. व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, बेटा माइक थोड़ा दूर रखा करो अपने, दूर बैठो,
what volume of air will be expelled from a vessel containing 400 centimeter cube. So ye volume hai centimeter cube mein at 7 degree Celsius when it is heated to 27 degree Celsius at the same pressure. Kare beta kaise hoga ye? शाबाश सब बच्चे करें इसको. बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है. एक बार चेक कर लूं कौन कौन बच्चे हैं. नए बच्चे क्लासेस में है, पुराने बच्चे नहीं है. आर्यन यादव बेटा टूमना से या वाकली से? हम टूमना से. ठीक है बेटा, ओके चलो करें. आसान सा क्वेश्चन था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम आपको निकालनी है, विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग. तो इनिशियल वॉल्यूम V1 आपका कितना था? 400 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस. इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 7 प्लस 273 कितना हो गया? 280 केल्विन. कितना आ गया ये? 280 केल्विन आ गया. व्हेन इट इज हीटेड टू, तो T2 आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस. इसे भी केल्विन में कन्वर्ट करो तो 27 प्लस 273 कितना हो गया? 300 केल्विन. व्हाट वॉल्यूम, तो आपको फाइनल वॉल्यूम V2 निकालना है और P इसमें आपका क्या है? कांस्टेंट. तो फिर से आपका यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा. तो बताओ फॉर्मूला, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2. आप बताओ आपको क्या निकालना है? यहाँ V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, V2 इक्वल टू T2 इंटू V1 डिवाइड बाय T1. तो बताओ T2 कितना है आपका? 300. V1 कितनी है? 400. और T1 कितना है? 280. T1 कितना है आपका? 280. अब इसको सोल्व करो और बताओ क्या आएगा. जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 0, 4 7 जा 28. ठीक है, बस अभी और नहीं कटेगा. तो क्या आ गया ये? ऊपर तो है 3000 डिवाइड बाय 7. 3000 डिवाइड बाय 7. अब इसको सोल्व कर दो क्या आएगा? 2 पे जाएगा. बताओ इसको सोल्व करके क्या आएगा बेटा? शाबाश. 428 पॉइंट में है मैम. 57. हाँ बेटा 5714. 428.57 सेंटीमीटर क्यूब. किस में आया भाई? सेंटीमीटर क्यूब में आया. ठीक है, हो जाएगा सोल. और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है. ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके न्यूमेरिकल करने हैं. बड़े आसान आसान से न्यूमेरिकल है, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें ऐसा. तो 3 आपके गैस लॉज पूरे हो चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुकास लॉ. ओके.